सोच क्या रहे हैं? जो करने आए हैं वो कर तो लीजिए, स्कोर ही बढ़ाना चाहते हैं ना अपना। संतोष शर्मा का केस आपने सॉल्व किया है, आपने उसकी जान बचाई है, तो स्कोर तो आप ही का बढ़ना चाहिए। कर लीजिए, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस खुश हैं कि हम अपने फैमिली मेंबर को बचा पाए। सो प्लीज प्लीज गो अहेड। शुक्रिया, लेकिन एहसान और मेहरबानी से मिली जीत में वो मजा कहा, इसलिए इस केस की कामयाबी आप ही को मुबारक। नो थैंक्स। सबसे पहले संतोष शर्मा के पास आप पहुंचे थे तो ये केस आपका हुआ। हमें भी कोई एहसान या मेहरबानी नहीं चाहिए। और उस एहसान का क्या हसीना जी, जो आपने मेरी जान बचा कर किया? बॉम्ब वाले मामले में आपने हमारी जान बचाई थी, तो ये उसके बदले था और कुछ नहीं। वो मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। तो ये हमारा फर्ज था, एहसान नहीं? मेरे लिए तो एहसान ही था, और फितरतन मैं भी किसी का उधार नहीं रखता, इसलिए मैंने जो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी मैं उसे वापस लेता हूँ। आपको किसी पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। क्या? जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे थाने के बीच के कंपटीशन की लड़ाई खत्म हो गई, ये लड़ाई जारी रहेगी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सर। सर क्या जरूरत थी हसीना मैडम को माफ करने की, कंप्लेन वापस लेने की? वो जाने देते ना पॉलीग्राफ टेस्ट, दो मिनट में ये महिला पुलिस टीम इस थाने से बाहर होती और हम इस थाने पर राज करते सर। अरे दीवान जी, एहसान का उधार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हसीना मलिक ने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया, हमने कंप्लेन वापस लेके वो एहसान चुका दिया, साहब बराबर। वही तो सर, आप इन औरतों के पैतरों को नहीं समझते हैं। ये पैदाइशी अभिनेत्रियां होती है, अभिनेत्री सर, ऐसे माया जाल बुनती है ना कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि आउट, जैसे आपकी हो गई है। सर ये हसीना मैडम की चाल थी जिसमें आप फंस गए। मैं होता ना आपकी जगह सर, तू ये भूल कर भी गलती नहीं करता। अरे दीवान जी, अरे औरतें सर, औरतें, ऊपर वाले ने बनाया इनको ऐसा, धोखेबाज, मौका मिलते ही डसेंगी। सर गलती हम मर्दों की है जो इन औरतों पे भरोसा करके अपना सर्वनाश कर बैठते हैं सर। अरे दीवान जी, सामने तो देखिए, मरवाएंगे आप अभी। सॉरी सर। पर हमें नहीं सुननी, आप क्यों बकवास करी जा रहे हैं? सर सुननी पड़ेगी। मतलब जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है सर, भूलिए मत, भले हम आपके जूनियर हैं लेकिन आपकी ट्रेनिंग हमारे अंडर हुई है, तो उस हिसाब से हम आपके सीनियर भी हुए ना सर, तो आपको मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करिए, गाड़ी साइड में लगाइए ना। क्या हुआ सर? नहीं, अभी आपकी बात सुननी पड़ेगी, तो थोड़े ठंडे दिमाग से सुननी पड़ेगी ना। वो देख रहे हैं दुकान सामने, आप एक काम कीजिए, वहां से ठंडे पानी की बोतल लेके आइए। अभी लाए सर? इन औरतों का माया जाल फंसा दिया ना हमारे सर को भी। बनारस पान ले लो, कलकत्ता पान ले लो, 120 की मान सुपारी, इलायची, लवंग, सौ पान ले लो भाई साहब, पान ले लो, पान ले लो भाई साहब, ले लो ना पान, ले लो मौनी का पान, ले लो पान, नहीं खाते हो? कौन अपना बिल्ला? हाँ पान, हाँ पीछे पीछे कलकत्ता पान। माँ माँ पाए लगू माँ, ये हाथ को क्या हो गया? हाँ, इनको बहुत शौक है ना उछल उछल के गुंडों को मारने का, ये उसी का नतीजा है। ओ माँ, वो सब छोड़ो, तुमने क्या नया थाना ज्वाइन कर लिया? उसका वेशभूषा है क्या, क्या है ये सब? थाने में रहता था तब तो ये पेट तो भर जाता था, मुफ्त का राशन मिल जाता था, लेकिन अभी इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इसीलिए पान बेच रहा हूँ। देखो ये पान बेचता हूँ तो शाम में खान पान और जाम का इंतजाम हो सकता है। जाम का इंतजाम?
माँ ले लो पान ले लो ना माँ माँ ले लो पान ले लो अभी ड्यूटी पर है ना बिल्ले नहीं खा सकते तो अभी ले लो ड्यूटी के बाद खाना नहीं नहीं बासी पान हमें अच्छा नहीं लगता माँ सुबह सुबह एक पान भी का है ना आधा सुपारी पान ले लो लुकाओ ना भगवान ड्यूटी पे है समझ में नहीं आता ड्यूटी तो एक बहाना है असल में पैसे बचाना है आप दोनों कंजूस हो एक बड़ी कंजूस एक छोटी कंजूस बड़ी कंजूस माँ पान खा लो ना आपको खाता देखकर लोग भी खाएंगे मेरा खाता शुरू हो जाएगा ले लो माँ हेलो 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 पान ले लो पान ले लो मंगा कुछ सासू मंगा तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऑन ड्यूटी वो पुलिस ऑफिसर को पान खुलाने की हाँ जिंदगी से संबंध खराब हो गया लगाएंगे कंटाप अभी क्या ये बोलिए बस लगाइए उनको कंटाप माँ तुमको तो पान पसंद है ना माँ अरे मगर शनिवार का व्रत है ना नहीं खा सकते नहीं जा सकते पान खा के कहीं भी जा सकते हैं लीगल है माँ जिंदगी भर ये बेचारा कुआरा ही रहेगा क्या ढूंढ क्या रही हो पत्थर मारने के लिए फिर रास्ते पे थूकना अलाव नहीं है मैं अभी रास्ते पे थूकेंगे तो वायरल कर दूंगा आपको वीडियो बना के हाँ फिर मत कहना कि अपनों ने ही अपना पर्दाफाश किया आप शांत हो जाइए कुछ नहीं होगा आपको शांत हो जाइए पुलिस आपके साथ है आप पुलिस प्रोटेक्शन में है कुछ नहीं होगा आपको कौन आपको मार डालेगा कौन है वो इंसान बताइए यहाँ तो कोई नहीं है वो यहीं पे तो था वो शायद पुलिस वालों को देखकर भाग गया मैं बहुत अच्छे जानती हूँ प्लीज मुझे बचा लीजिए तुम बिल्कुल मत घबराओ हम आपके साथ है टेंशन मत लो पान खाओ बिल्कुल मैडम आप एक काम कीजिए आप हमारे साथ थाने आइए आप रिपोर्ट लिखवाइए विस्तार पे बात करते हैं और आपको कुछ भी नहीं होने देंगे हम विश्वास रखिए हम पे चलिए हमारे साथ एक मिनट आप कहाँ आ रही है हटिए आप आइए और आप रिक्शा से आइए नहीं कुछ 4-5 दिन पहले की बात है मैडम मैं घर से निकली थी तो वो मेरा पीछा कर रहा था मैंने इग्नोर किया मुझे लगा कि कोई लफंगा होगा खुद ही चला जाएगा संत जी आपने लिखिए हम पकड़ लेते हैं और अगले दिन भी वो मेरा पीछा कर रहा था मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वो मेरा पीछा कर रहे मैं मार्केट जा रही हूँ मंदिर जा रही हूँ हर जगह वो मेरा पीछा कर रहा है फिर मुझे लगा कि नहीं इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना मुझे लग रहा है मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरा दिन घर से नहीं निकली मैडम फिर वो हुआ मैडम जो मेरे शक को यकीन में बदल दिया शांत होकर इत्मीनान से बताइए क्या हुआ आगे आज तो हाथी हो गई मैडम सीधा वो मेरे घर घुस आया उसके हाथ में ना चाकू था उसने चाकू से मुझ पर हमला किया मैं किसी तरीके से जान बचाकर भागी वो तो कहीं करिश्मा मैडम मुझे मिल गई वरना आज तो वो मुझे मार डालता नहीं मतलब जब वो आपके घर में इसे घुसा तो उस समय आपके घर में और कोई नहीं था क्या नहीं थोड़ा और प्यार से हंसते हंसते पूछता ना ज्यादा स्माइल ना तू हाँ हुलिया बता सकती है आप मतलब वो दिखने में कैसे थे कोई खास पहचान जिससे हमारी हेल्प हो सके हाँ उसने उसने मरून कलर का शेरवानी पहना हुआ था और वो सेहरा पहना हुआ था और व्हाइट कलर का पैजामा और गोल्डन कलर की मोजरी थी क्या लगता है आपको आप किसी पे शक है आप कोई नाम ले सकती हैं हाँ है तो एक ऐसा आदमी पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है ई का बात हुआ कि मतलब है तो ऐसा आदमी जिस पर आप शक कर सकती हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं है कि ऐसा कर सकता है मैडम थोड़ा क्लियर समझाइए हाँ आज से 5 साल पहले एक लड़का था नंदू वो मेरा पीछा किया करता था कभी उसने कुछ कहा तो नहीं लेकिन मुझे पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया पर जिस दिन मेरी शादी थी
उस दिन पता नहीं उसे क्या हो गया, सहरा पहन के चाकू लेकर मुझे किडनैप करने चला आया। फिर पकड़ा गया, लोगों ने खूब मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़का नंदू नहीं हो सकता? नहीं मैडम, नंदू पे बहुत से चार्जेस लगे हैं, मैंने कम वर्क किया है, मैं जानती हूँ ये कोई और ही है जो उसी तरीके से सहरा पहन के चाकू लेकर मुझे मारना चाहता है। मैडम शांत हो जाइए, चिता चतुर्वेदी के इलाके में जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए और देखिए क्या पता चलता है, ठीक है? जी मैडम सर, होकर आते हैं। वही तो, क्या बोलते हो संतोष जी? चीता तू बदल गया है, पहले वाला चीता होता ना तो क्या कहता पता मैडम सर को, हम संतोष जी को भी ले जाए एक से भले दो, और अभी वाली चीता ने क्या कहा, हाँ हम होकर आते हैं। अरे हम बोलने वाले था। एक काम कीजिए संतोष शर्मा जी? आप भी चीता चतुर्वेदी के साथ चले जाइए, बेहतर होगा। जी मैडम सर, आप कह रही हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। संतोष जी झूठा, जाइए संतोष जी। रिलैक्स, देखिए आप इत्मीनान रखिए, हम इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है? करिश्मा सिंह गाड़ी निकाली है, इन्हें घर छोड़ाते हैं और साथ ही इनके घर वालों से भी बात कर लेंगे, देखते हैं क्या पता चलता है। जी मैडम सर, चलिए। झूठी। क्या? वो लड़की त्रिशा झूठ बोल रही है वो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? पुलिस वाले हैं हसीना जी, घास नहीं काटते, ये देखकर ही समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, और वो औरत सरासर झूठ बोल रही है, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। पुलिस वाले हम भी हैं मिस्टर अमर विद्रोही, सब्जियां नहीं बेचते, लेकिन क्या है कि आपको औरतों का मामला आया कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। नहीं, यहाँ बात मर्द और औरत की नहीं, लॉजिक की हो रही है हसीना जी, और उसकी स्टेटमेंट में इतने इलॉजिकल एस्पेक्ट थे कि कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी देखकर समझ जाएगा वो झूठ बोल रही है। और देखिए ना, आजकल इतने लूपहोल्स तो सास बहू के ड्रामा में भी नहीं होते जितने उसकी कहानी में थे, और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ वो औरत किसी को फंसा रही है, इसलिए पूरी प्लानिंग की हुई है उसने। यही बुनियादी फर्क तो समझाना है डिपार्टमेंट को, आपने जो है उस औरत की कहानी में लूपहोल्स देखे, जो कि सही है, हमने भी देखे, लेकिन हमने उसके साथ साथ उसकी आंखों में वो डर, उसके थरथराते हाथ, उसकी आवाज में वो खौफ सुना, महसूस किया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। औरतों को जज्बात से समझना पड़ता है मिस्टर अमर विद्रोही, लॉजिक से नहीं, लेकिन ये बात आपके जैसा मशीन कभी समझ नहीं पाएगा। उस औरत को हमारी मदद की जरूरत है, जो हम करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगे, देखते हैं। कैसे पता करें, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना इधर कोई मतलब आदमी सब, भैया सुनिए ना, किसी को दूल्हा को देखे किसी का मर्डर करते हुए उसके पीछे भागते हुए? नहीं देखे तो कहाँ देख रहे, देखा कीजिए ना मर्दे, ठीक है जाइए। इतना ज्यादा संतु जी, चीते तू बहुत बदल गया है, तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले तो कुछ और था और अभी तो कुछ और है। और इसे कहे लग रहा है आपको संतु जी? क्योंकि तू पहले ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, तू हमेशा मेरी तरफ ही देखते देखते काम करता था, और अभी पिछले 5 मिनट से ना ही तूने मेरी तरफ देखा और ना ही मेरी तरफ देखे, उफ ये मासूमियत बोला, तूने अवॉइड करने लग गया चीते। सॉरी, अगर आपको बात का खराब लगा तो सॉरी, लेकिन ये भी समझने वाला बात है ना संतु जी, खाली प्रेम सूत्र में लगे रहेंगे तो केस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तू मेरी तरफ देख और मेरी तरफ ही देखते रह, काम मैं संभालूंगी, ठीक है? ठीक है संतु जी। दिन दहाड़े एक आदमी एक औरत के पीछे चाकू लेके भाग रहा था, और उस आदमी को किसी ने देखा कैसे? नहीं, किसी आदमी को देखी आप मर्डर ना बै? रुक जाइए पुष्पा जी छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी, एक मिनट चचा, दीवाना चचा का हो गया, कहा इंसान से ड्रकुला बने पड़े हैं यार आप। तुम बीच में मत पड़ो वरना तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा, आज मैं पुष्पा जी को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, किया क्या है इन्होंने? क्या किया है? ये किया है आपकी पुष्पा जी ने, मैं बताता हूँ, सब रिकॉर्ड किया है, सारी कहानी कैमरे की जुबानी दिखाओ। देखो
ये देखो आपका वीडियो बन गया। तुमको तो हमने, अरे ये बाप किसने धोखा? पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपको सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। चलिए थाना, चलिए। एक सेकेंड, टेक्निकली इन्होंने पब्लिक प्लेस पे नहीं थूका है, इन्होंने आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर थूका है। हाँ। और वैसे भी कूड़े पर कूड़ा फेंक दिया, कौन सा जुर्म कर दिया? क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब ये है चाचा कि अगर मानिए आप इनको गिरफ्तार करवाएं और वहाँ पर जाकर ही बोल दी कि हम तो दीवार के पीछे थूक रहे थे, वहाँ पर आप खड़े होकर क्या कर रहे थे, तो क्या कहिएगा? अब सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। गया माँ। जी माता जी, इस बार जो है त्रिशा पर हमला घर में ही हुआ है। आप में से किसी ने कुछ भी देखा है ऐसा कुछ जिसे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिल सके? अरे वाह, देखो आई। जी मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ सुना है। मैं भी कुछ नहीं देखा ना ही सुना, मैं उस वक्त भी अपने कमरे में पूजा ही कर रहा था। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। और माता जी आप? सुनो सुनो, सुधारने की जरूरत हमें नहीं। माता जी तुम बहुओं को है मम्मी जी, उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए। माता जी, जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं। जी आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना? माता जी, माता जी, ले तोड़ दिया कलश। मुझे तो पता ही था ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, कैसी बहू है ये। अब कुछ पूछ रही थी मुझे? जी, पूछ रहे थे। पूछो, क्या पूछना है? देखा आपने? किसको? हमारे चाचा को, बहू के हमलावर का बात हो रहा ना, उनको देखा आपने? हाँ बिल्कुल साफ साफ देखा। का माँ, उस कमीने की शक्ल में कैसे भूल सकती हूँ? खिड़की से आया और टूट पड़ा बहू पर। इसका मतलब आप जानती हैं कि आपकी बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। मतलब आप जानती हैं कि बहू पर हमला किसने किया है? बिल्कुल जानती हूँ। बहुत बढ़िया, अगर हम स्केच आर्टिस्ट बुलाएंगे तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकती हैं ताकि हम हमलावर तक पहुंच सके? अरे उसकी क्या जरूरत है, मुझे पता है ना, मेरे पास है उसका फोटो। रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, पकड़। ये देखो, ये है वो कमीना, असली गद्दार, इसी ने तो बहू पर हमला किया है। ये तो बहुत फेमस टीवी एक्टर हैं, विक्रम वर्मा, नेगेटिव रोल करते हैं शायद। तो क्या? अरे यही तो है जिसने कंचन पर हमला किया। कौन कंचन? अरे कस्तूरी के दूसरे बेटे की तीसरी बीवी। कौन कस्तूरी? वो बिमला की पहली माँ। हाँ। एक मिनट, आप क्या हमारे दिमाग का ना गुब्बारा उड़ा रहे हैं सबकी सब? ये कौन सा खानदान है, किसका राशन कार्ड खोल के बैठ गए हैं आप सब लोग? कौन बिमला टिमला मिमला किमला, कौन है ये बिमला? अरे सुगंधा के दूसरे पति की पहली बेटी। भाभी शांत हो जाओ प्लीज, मुझे बात कर लेने दो। मैडम जी वो क्या है ना कि भाभी जो सीरियल देखती है ना, ये सब उनके किरदार है, और कंचन उस सीरियल में बहू है। हमला कंचन पर जो हुआ था ना, उस सीरियल में हुआ था। भाभी को लगा कि शायद आप उसी की तहकीकात कर रही हैं। अच्छा तो कौन से हमले के बारे में पूछ रही थी आप? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हम हैं S.H.O हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम ऐसे हैं करिश्मा सिंह। जी आप कौन? ये मेरे हस्बैंड है भरत।
आपको पता है ना आपकी बीवी पर हमला हुआ है, घर पर भी और बाहर भी। हाँ, उसी का ही तफ्तीश करने आए हैं हम यहाँ। क्या, त्रिशा पर हमला? जी, सुबह 9 बजे आप कहाँ थे? 9 बजे तो मैं बैंक गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए। अभी तो वहीं से लौटा हूँ मैं। ठीक है, करिश्मा सिंह इन्हें थाने ले चलिए। क्यों थाने क्यों मैडम? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। ये महीने का सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को सारे बैंक्स बंद होते हैं, इसलिए अब आप सच्चाई उगलेंगे और थाने चलकर। देखो, ऐसा है कि तुम जैसे चूरन को वार्निंग या धमकी देने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा सीधा पूछ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा मार लगाएंगे और फिर जब हम राज आके रोकेंगे ना तभी रुकेंगे, बता रहे हैं। तो सहरा बांध कर चाकू लेके तुम ही हो जो अपनी बीवी के पीछे भाग रहे थे और डरा रहे थे, या फिर तुमने किराए पे कोई झुंझुना लिया था ये सब करने के लिए? बोलो। देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। क्यों अपनी वाइफ को मारना चाहूंगा मैं? तो फिर हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था मेरी हरकत का पता मेरी फैमिली को ना चल जाए। अमा साफ साफ बोलो, देखो यहाँ साफ साफ बात कर रहे हैं सब। कौन सा हरकत का बात कर रहे हो तुम? दरअसल उस दिन सुबह मैं जब घर से बाहर निकला तो खिड़की के रास्ते वापस घर में घुस आया था, क्योंकि जब ये त्रिशा घर से बाहर जाए तो मैं उसका कबर्ड खोल के इसके पैसे चुरा सकूं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आप अपने ही घर से अपने ही पैसे चुराना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे पैसे इसी के पास होते हैं और मुझे खर्चे के नाम पर सिर्फ चिड़िया का चुग्गा मिलता है। पिछले कुछ सालों में बिजनेस में कुछ लॉस किया आ गया है मेरी वजह से, तो घर का सारा बिजनेस मेरी पत्नी को सौंप दिया गया, यहाँ तक कि मेरा पर्सनल अकाउंट भी। मेरी माँ मेरा भाई दोनों नहीं चाहते मैं घर का बिजनेस करूँ। तंग आ चुका था मैं बीवी से पैसे मांग मांग कर, इसलिए मैं चोरी करना चाहता था अपने ही घर में अपने ही पैसे। तुमने कहा था कि तुम अपना कमरा में छुपकर अपनी बीवी के जाने का इंतजार कर रहे थे, तो मतलब जब त्रिशा पर हमला हुआ था तो तुमने वो हमला होता हुआ देखा, तुमने उस हमलावर को देखा? हाँ, कोई होता तो देखता ना मैं। बचाओ, बचाओ मुझे कोई, बचाओ, बचाओ। कोई नहीं था उसके पीछे। अरे था। सहरा पहने हुए चाकू लिए हुए मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए। मैंने किसी आदमी को वहां नहीं देखा। बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। और आप, हमें लग रहा है कि आपकी जो चोरी वोरी की जो आप कहानी बना रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आप जानबूझकर हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप ही ने इन्हें मारने की कोशिश की, आप ही ने इन्हें डराने की कोशिश की। मैं ये तो जानती थी भरत कि तुम्हें मेरा फैमिली बिजनेस संभालना पसंद नहीं था, पर ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगे कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। ये झूठ है, बता दूं उस दिन क्या हुआ, बता दूं क्या? और मैडम, ये मुझ पर क्या इल्जाम लगाई है, ये खुद मुझे जान से मार देना चाहती है। 2 दिन पहले हम डिनर के लिए बाहर गए थे, गाड़ी तक पहुंचने के लिए हम रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि उसने मुझे अचानक ऐसे आगे धक्का दे दिया। बाल बाल बच गया मैडम मैं सामने से आने वाली गाड़ी के चपेट में आने से, उसने तो मुझे उसी दिन जान से मार दिया होता। जान से मारने की कोशिश नहीं की थी, जान बचाने की थी उस ट्रक से जो तुम्हारे पीछे आ रहा था। कितना झूठ बोलती है ये, वहाँ दूर दूर तो कोई ट्रक नहीं था। बहुत बढ़िया, नहीं मतलब आप खुद फंस रहे हैं तो बीवी के सर पे डाल रहे हैं सारा इल्जाम। हाँ, सच कह रहे हैं ये, मतलब ये झूठे हैं क्योंकि ये मर्द है, वो सच्ची है क्योंकि वो औरत है। अब टेंशन मत लीजिए भाई साहब, मुझे आपके सच पर पूरा भरोसा है। मैं लिखूंगा आपकी कंप्लेंट और मैं ना केवल आपकी पत्नी से आपको बचाऊंगा बल्कि आपके हक का एक एक पैसा मैं आपको दिलवाऊंगा। ये अमर विद्रोही का वादा है आपसे। सर, सर, मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हूँ, अब प्लीज मुझे मेरी बीवी से पूछाइए। सवाई मेरे साथ। सर एक मिनट, सर एक ही थाने में एक ही केस की दो दो कंप्लेंट, ऐसे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे ना, ना मतलब उनको जो ठीक लगेगा वो आपको ठीक नहीं लगता है, जो आपको ठीक लगेगा शायद उनको ठीक नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा सा। तो बोलिए ना इनसे पीछे हट जाए, ये केस मुझे देखने दें, छोड़ दें ये केस। जाहिर सी बात है ना, तो आप ऐसा कुछ कहेंगी ना तो ये ऐसा कुछ मानेंगी, तो मुझे इसकी कंप्लेंट लिखने दीजिए, इन्हें इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करने दीजिए। जी आइए।
मिस्टर अमर विद्रोही। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। जैन, तो अब आप इस लेवल पर उतर आए हैं कि अपने स्कोर बढ़ाने के लिए झूठे झूठे केस बनाने लगे। कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो वक्त ही बताएगा मिस मलिक। सबका अपना अपना हिसाब होता है, और आपका नारा है तजुर्बा कहता है हमारा, और हमारा कहना है तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना। पर हमारे लॉजिक के हिसाब से इस बार झूठ का साथ आप दे रही हैं, क्योंकि वो हस्बैंड गलत नहीं है, उसकी वाइफ गलत है। वो नाटक कर रही है पुलिस को गुमराह करने के लिए, लोगों की सिंपति गेन करने के लिए। अच्छा संतोष शर्मा, कहाँ जा रही हो? आपको पानी चाहिए था ना? नहीं सहरा जी, यही है वो सहरा जो उस जगह पर मिला था जहां पर उस औरत के हिसाब से उस पर अटैक हुआ है। और अगर ये औरत झूठ कह रही है तो फिर ये सहरा वहां कैसे मिला? I'm sorry to say, Miss Malik, लेकिन शक्ल से जितनी आप होशियार लगती हैं उतनी है नहीं। नहीं तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछती। अब अगर वाइफ ने पूरी कहानी रची है तो उसे सच का रूप देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना वो। अब अगर उसने खुद ये सहरा वहाँ प्लांट किया होगा तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? आपके पास क्या सबूत है कि पति सच कह रहा है? वो तो इतना बड़ा झूठा है, जो इंसान खुद के घर में चोरी कर सकता है उसकी बात पर क्या यकीन करना? देखिए मिस मलिक, कोई भी सच अपने आप लॉन्ड्री से धुलकर नहीं आता है। उसे धोकर उस पर लगे झूठ के दाग को मिटाकर उसके दुनिया के सामने लाया जाता है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्रिशा का हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है क्या नहीं। सवाल ये है कि उसने अपने वाइफ पर हमला किया है या नहीं। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि पति ने कुछ नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर नहीं चलती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन गट फीलिंग पर ही चलती है मिस मलिक, ये मैं प्रूव करूंगा। और आपको भी एक एडवाइस दूंगा, अगर आप हार की जिल्लत से बचना चाहती हैं तो ये केस अभी यहीं पे छोड़ के प्लीज साइड हो जाइए। सर, अरे वाह दीवान जी, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बताइए ना, बोलिए बोलिए। अरे सर मैं आप, अरे आप आइए आइए बताइए। अरे बहुत ही बेहतरीन आइडिया, बताइए बताइए। तो आइडिया ये है कि एक शर्त रखी जाए, अगर अमर सर गलत हुए, यानी कि पत्नी सच बोल रही है और पत्नी पर हमला करने वाला उसका पति है, तो बोलिए ना सर, हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही बताइए प्लीज। तो मैं आपके सामने 20 उठक बैठक लगाकर आपसे माफी मांगूंगा, वो भी कान पकड़कर। पर अगर मेरा कहा सच हुआ और ये पूरी प्लानिंग उस पत्नी की हुई तो आपकी ये मैडम मेरे सामने 20 उठक बैठक लगाकर मुझसे माफी मांगेगी। सर सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें मंजूर है। बदनाम, अरे चाय एक अदरक वाला देना ना। हाँ भाई, क्या हुआ? चचा आप सो रहे थे का? गजब करते हैं चचा अभी, मतलब उठा लो उठा लो, तुम्हारी संतोष शर्मा का ही फोन होगा, अब से तुम्हारी एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी शुरू। चचा आपको हम बता नहीं सकते हैं कि नाइट ड्यूटी करने में ना हमको कितना ज्यादा खुशी फील होता है ना, मतलब अपने अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से बतियाना ही, ये अनुभव अपने आप में कितना सुंदर है ना चचा। बेटा च्युइंगम खाते हो ना, तो ये प्यार भी च्युइंगम के जैसा ही होता है। शुरुआत में बहुत मीठा मीठा लगता है, उसके बाद सारा रस गायब, फिर भी च्युइंगम चबाते रहो जब तक जबड़ा दुख ना जाए। देखना थोड़े वक्त में तुम्हारे साथ भी यही होगा। अभी ये जो प्रेम की घंटी दिल में बज रही है ना, बाद में दिमाग में घंटा बजाएगी, कांपोगे फोन की घंटी सुनकर। फोन बज रहा है, उठा लो। हेलो संतु जी। हाँ
गए अब तक बात कर रहा है। कुछ भी चीते, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं था। अरे ये क्या कहा हुआ संतू जी? सुबह हो गई चीते। कहा बात कर रही है सुबह? अरे तो सच में सुबह हो गया। तो तुझसे बात करते करते पता ही नहीं चला सुबह कब हो गए। संतू जी हम का कहते हैं कि आप ना बात करते करते थक गई होंगी, आप ना आराम कर लीजिए थोड़ा सा। नहीं तुझसे बातें करते करते तो मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। तो क्या है ना कि पहली बार कोई ऐसा मिला ना जिसे खुल के इतनी सारी बातें कर रही हूँ मैं, वरना तो अकेली रहती हूँ, खुद से ही थोड़ी बातें करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। मैडम मेरा यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मुझे बाद में पता चला ये सब। डॉक्टर साहब कैसी है त्रिशा? जरूरत से ज्यादा तनाव की वजह से बेहोश हो गई। आप जरा सा भी मत घबराइए, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रही हैं, ड्यूटी। अपने शिकायतकर्ता को झूठे इल्जाम और जानलेवा हमले से बचा रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ख्याल रख रहा हूँ कि इस बायस माहौल में कहीं आप मेरे शिकायतकर्ता को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के झूठा इल्जाम न लगा दें। आपको सच में लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो आपको जो लगा था वो भी तो नहीं हुआ ना? देखिए मिस्टर अमर विद्रोही, हम यहाँ फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस लड़की के साथ क्या हुआ है, सबके पीछे की सच्चाई क्या है, नंदू कहाँ है, अगर जेल में है तो जेल में बैठकर ये सब करवा रहा है, अगर छूट गया है तो क्या कर रहा है, ये सब हम फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो प्लीज आप आकर डिस्टर्ब मत करिए। अगर आप थोड़ी सी अपडेटेड रहती ना तो जिस मोहरे के बेस पे आप इतने बड़े बड़े हवाई किले बना रही है ना, वो सब नहीं बनाती, वो कब का ढेर हो चुका है। क्या? अरे मतलब ये कि जो नंदू था वो 2 साल पहले जेल से छूट चुका था, 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो चुकी है। तो हसीना मलिक जो मर चुका है उसके खिलाफ कौन सी चार्जशीट फाइल करेंगी आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मर सकता है? हाँ वो देखिए नंदू क्या है, नंदू हाथों में चाकू भी है। मार डालेगा वो मुझे, मुझे प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे मार डालूंगी मैं तुम्हें। रुको मार क्या कर रही हो? क्या चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे, क्यों पड़े हो? शांत हो जाओ, रिलैक्स, शांत। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया है। वो नंदू ही था, सहरा पहने हुए, हाथों में चाकू लिए हुए, वो मुझे मारना चाह रहा था। आप लोग क्यों नहीं मार रहे हो? वो नंदू ही था। बस इन सब से अब कोई फायदा नहीं है त्रिशा, हम सबने देखा है कि तुमने क्या किया। अब उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, सड़ती रही आप यहीं पर। और किसी तरह यहाँ से बच के निकल गए ना तो जाके किसी दिमाग के डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। मेरा दिमाग खराब नहीं है। चलिए यहाँ से। अब प्लीज मत जाओ, मुझे निकाल दो यहाँ से भरत। आप तो मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे भरत, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी बात मान रहे, मैं क्या करूं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, मुझे निकाल दो यहाँ से। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?
दी, लॉकअप खोलिए। एक मिनट, मैडम सर, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भूतों से कैसे निपटना है ये तो सिखाया नहीं है ना। हमको लगता है पुलिस ट्रेनिंग में एक महीने के तांत्रिक कोर्स का प्रावधान भी रखना चाहिए। अब सही बोलता है, यही बोलता है चीते, सेम यही बात बोलता है चीते। मैडम सर, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ना नंदू जी से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंदू भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, देखिए क्या है कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर इनको डराने का जरूरत नहीं है। कोई समस्या है तो हम लोग एक जगह पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। ऐसे डराइए, मत डराइए। शांत 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 हो जाइए सब लोग, दरवाजा खोलो, बोलिए हम लाइन हाजिर कर देंगे वरना। जल्दी जल्दी। शांत रिलैक्स। कोई बात नहीं, रिलैक्स। वो देखो कौन है बे, कौन है यहाँ पे, बताओ वरना मारेंगे तुम्हारी तो। भाग यहाँ से, भाग जाओ नहीं तो भकाल दिखा देंगे, बता रहे हैं जो कोई भी है। लग रहा भाग गया, जो कोई भी था उसे भगा दिया। ठीक है, अब कोई नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। देखा, भगा दिया ना हमने उसको, अब तुम बिल्कुल शांत रहो। भगा दिया, कोई नहीं है वहां, सब भूत वूत सब भगा दिया हमने, कुछ भी नहीं है वहां। ठीक है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। ओके, दीवान जी जाइए, जाकर त्रिशा के मेडिकल टेस्ट की ना ऑफिशियल परमिशन का इंतजाम करके आइए, जाइए। जी सर। मिस्टर अमर विद्रोही, हम त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सर, वो शर्त वाली बात मत भूलिएगा, पर इस बार नो हीरोगिरी नो दया रहम, अपनी बात पर कायम रहेगा सर। ऑल द बेस्ट। अरे अभी आप लोगों के लिए शर्त इम्पोर्टेंट है, आपने उस लड़की की हालत नहीं देखी क्या? दिखाई दे रही ना हसीना जी, तभी तो उसके लिए फिक्र भी है और हमदर्दी भी। लेकिन यहाँ बात त्रिशा की नहीं हो रही है, हम दोनों की हो रही है। वो क्या है ना कि आप शर्त हार चुकी हैं, पत्नी ने पति पर हमला किया था, पति झूठ नहीं बोल रहा था। जी मैडम, और शर्त के हिसाब से अब आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी और सॉरी भी बोलना पड़ेगा मैडम, और वो भी कान पकड़ के। किस तरह के इंसान है आप? एक लड़की की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसकी मदद करना चाहते हैं और आप लोगों को अभी तक शर्त की पड़ी है? ठीक है, जीत गए आप लोग, शर्त कर देते हैं उठक बैठक। एक मिनट मैडम से रुकिए। सर, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैडम सर गलत नहीं है। हाँ, हमने माना कि त्रिशा जो है उस पे जानलेवा हमला होता है, पर हाँ ये बात भी सच है कि वो उसके दिमाग का हलल है, उसके दिमाग का एक भ्रम है। लेकिन देखा जाए तो उसकी मानसिक अवस्था में तो वो सही है ना, वो भी झूठ नहीं बोल रही है, तो उस हिसाब से तो मैडम सर भी गलत नहीं हुई ना। हाँ तो हमारे सर भी गलत कहाँ हुए? हाँ बिल्कुल गलत नहीं हुई, ये तो वो बात हो गई कि हमने सिक्का उछाला और सिक्का नीचे गया और सीधा खड़ा हो गया, ना हेड है ना है टेल्स है, वही बात हो गई ना। इस हिसाब से फिर मैडम सर अकेले उठक बैठक नहीं करेंगी, करना तो सर आपको भी पड़ेगा। करिश्मा सिंह, आप हमारी तरफ हैं इनकी? सही की तरफ, और इस वक्त यही सही है। देखिए, अगर आप लोगों को हो गया हो तो मुद्दे पर आ सकते हैं क्या? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि पहली नजर में ये पूरा मामला जो है कोई मेंटल इम्बैलेंस का या दिमागी खलल का लगता है, हम मानते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि यह माजरा कुछ और है। क्या त्रिशा को सच में नंदू का भूत दिख रहा है? आप जिसे भूत कह रहे हैं, हमारे लिए वो मेंटल ट्रॉमा है। अब खुद सोचिए, सालों पहले एक आदमी भरी शादी में उसके पास आता है और चाकू की नोक पे उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, ये ट्रॉमा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हसीना जी, उस बात को 5 साल हो चुके हैं, कोई भी ट्रॉमा 5 साल तक नहीं टिकता। एग्जैक्टली, अब आप ये सोचिए कि ऐसी घटना जो 5 साल पहले हो चुकी है, अचानक उसे दोबारा परेशान क्यों कर रही है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या जानबूझकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की जा रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि त्रिशा के आसपास जानबूझकर एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस पैदा की जा रही हैं जिस वजह से वो अब सही गलत, रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूलती जा रही है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि अगर वो मानसिक स्थिति खराब होने की हद तक गुजर जाए, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा, उसे बचाना होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी, और उसके लिए जो सही होगा हम करेंगे। हाँ हसीना मलिक, लेकिन ये आप नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तय करेंगी, जो मैं अभी त्रिशा की करवाने जा रहा हूँ। सो यू डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा, आप जा सकती हैं। अरे
ये ग्लास किसने गिराया? हमको क्या पता कौन गिराया है पुष्पा जी? नंदू के भूत ने तो नहीं गिराया? नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता, इसी का हाथ लग गया होगा, गिर गया होगा ग्लास। हमारा हाथ लगा होता तो हमको पता तो चलता ना। हम क्या पुष्पा जी, हम एक फोन करके आते, बहुत जरूरी है। डरिए मत, भागी हूँ। आप बिल्कुल मत डरिए, हम हैं सब। हाथ कहाँ कांप रहा आपका? मेरा नहीं, तेरा कांप रहा। हमारा कहाँ? किधर? संतु जी, तू क्यों डर रहे? नहीं होता भूत। हम डर नहीं रहे हैं वैसे। नंदू, भूत की मची है लूट, लूट सके तो तू भी लूट, तो बोल रहा है झूठ। मेरे बिल्लू निवास में भूत हो ही नहीं सकता। हाँ लौटे यार, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारे बिल्लू निवास में भूत एकदम नहीं होता। ना बिल्लू निवास का खुद का साक्षात पिशाच जब बाहर घूम रहा हो तो वहाँ पर भूत कैसे होगा पुष्पा जी? माँ इसको कट्ठा मारू। अरे मुझे बिल्लू निवास में लेके चलो, वो भूत मुझे देखकर भाग जाएगा अपनी लंगोट छोड़ के। अरे उस भूत की ऐसे गर्दन पकड़ूंगा ककड़ी की तरह, कड़क मोड़ दूंगा। चीता, इसके खुशी के लिए डरा मैं। तू मुझे अकेले भूत के साथ छोड़कर आ गया, कुछ हो जाता तो? भूत को? मुझे? नहीं संत जी, पर आपको कैसे कुछ होता? आप तो भूत में मानती होती नहीं ना। नहीं चीते, मेरे मानने नहीं मानने से क्या होता है, भूत तो होता है ना, मैं नहीं मानती ये है ना। मेरा मतलब है कि बिल्लू जी बताएंगे भूत होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बिल्लू जी का बिल्लू निवास वो था ना वहाँ पे शमशान में कुछ दिन तक। बिल्लू जी आप बताएंगे। और एक सेकंड चीते, तू बदल गया, तू पहले जैसा नहीं रहा। संतु जी आराम। कितनी क्यूट है यार मेरा। संतु जी माँ इन दोनों का हो गए, मुझे ना वीक मिली है ना लड़की मिली है। माँ मुझे लड़की। ए बाप रे। हाँ पान ले लो, पान। जैन मैडम सर, पुष्पा जी ये एनीवेज हमारी बात ध्यान सुनिए। आज रात को 12 बजे दुश्मन पार्टी के चले जाने के बाद सबका यहाँ थाने में मिलने का प्लान है, ओके? क्यों, त्रिशा को भगाने का प्लान है क्या? नहीं, नंदू के भूत को हमेशा के लिए भगा देने का प्लान है। हाँ? वो कैसे? सुनिए, समझा? समझ में आ गया? नहीं, मगर आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? पुष्पा जी प्लान कोई काम नहीं करता, वक्त काम करता है। अगर वक्त ने सही समय पर अपना काम कर दिया तो हमारा प्लान भी काम करेगा। और प्लीज इस प्लान का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप दुआ कीजिए, वरना त्रिशा का पति उसे पागल साबित कर देगा और हम सच्चाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। रात को 12 बजे सबको थाने में मिलना है, बता दीजिएगा। जी मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बिल्ले, आज रात को दूसरी टीम थाने से निकल जाने के बाद हम सबको रात को जाना है, पूरी टीम को, तुमको भी। मैं? हाँ क्यों, तुम टीम में नहीं हो? नहीं। अरे बिल्कुल हो, अमर सर ने तुम्हें सिर्फ थाने से निकाला है, हमारे दिलों से नहीं। हाँ चलो चलो चलो, पान ले लो, पान, कलकत्ता बनारस। 12 बजे सबके जाने के बाद आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पकाने के चक्कर में है ये लोग, अमर सर को बताना पड़ेगा। मैडम मुझे बचा दीजिए, नंदू ने कहा है कि वो वापस आएगा और वो जरूर वापस आएगा, वो जब तक मेरी जान नहीं ले लेगा ना तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, अब कुछ नहीं होगा, अब नंदू तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है। आइए प्लीज। अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लगा के भूत को उड़ाए, हम है बाबा बाबा रेची, हमने बड़े बड़े भूतों को भगाया है, ये कौन सा भूत है, चिल्लर भूत है, हम बताते हैं अपने अंतर्यामी से बताते हैं, वो भूत है नंदू। नंदू सबका बंदू। अरे नंदू के भूतों को तो हम अपनी बोतल में कैद कर लेंगे, ये नशीली भूतों के लिए है। नंदू के भूत के लिए हमारे पास यूनिक बोतल है, ये देखो इस बोतल में नंदू को बंद करके स्वाहा करेंगे,
फिर नंदू की कहानी खत्म हमेशा के लिए। और फिर बोलो बाबा बाबा रेड शिप गई। जय 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 बाबा, मुझे नंदू से बचा लो बाबा, मुझे नंदू से बचा लो। नंदू का भूत, नंदू 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 का भूत, किधर है नंदू का भूत? नंदू के भूत को पुकारो, ललकारो। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लग रहा है। देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो कोई और बुला लेगा उसे, हमारी संतोष शर्मा है ना, वो बुला लेगी। पर नंदू संतोष जी के बुलाने से क्यों आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पे। मैं कुछ समझी नहीं। देखो फिर भी इसके पीछे भूत पड़ा है माँ। तुम चलो आओ हमारे साथ पुष्पा जी। बाबा, जी बाबा, बाबा, चलो आओ, आजा आजा। नंदू नंदू का भूत किधर है? चीते दूल्हे की गेटअप में अच्छा लग रहा है। थैंक यू संतु, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये नया थोड़ी है, हम तो कितना बार इससे पहले दूल्हा बन चुके हैं ना, मतलब केस को सॉल्व करने के लिए इसे दूल्हा का कपड़ा पहन चुके हैं। हाँ लेकिन पहले उस नजर से नहीं देखा था ना जिस नजर से अभी देख रही हूँ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी दूल्हा दुल्हन के गेटअप में आ जाएंगे। वो तो है संतु जी, बात तो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं आप संतु जी। चीते तू खुश नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब कि नहीं अलग बोले हैं, अलग बोले तो इसका मतलब ये है कि हम खुश हैं, हैं संतु जी। नहीं तो खुश नहीं लग रहा। लगी पड़ी है संतु जी, कैसे खुश लगेंगे हम? मतलब एक मरे हुए सन की पागल आशिक की आत्मा का रोल कर रहे हैं संतु जी, हम कैसे खुश हो जाए? हम क्या लगता है आपको, खुशी के मारे नगाड़ा बजाए हम? नहीं संतु जी, हमको डर लग रहा है ना संतु जी कि गलती से भी नंदुआ का आत्मा कहीं आ गया और हमारे अंदर घुस गया तो क्या होगा संतु जी, हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहचाना नंदू, सबका बंधु, क्या बोला तू पागल सन की? हम नहीं करेंगे, हमको यकीन कभी नहीं करेंगे। मैं मजाक कर रही थी, शक्ल देखते थी। संतु जी ऐसा मजाक हमसे प्लीज दोबारा मत कीजिएगा। संतु जी क्या बात कर रही हैं आप, नंदुआ का आत्मा दिया ना हमें भी? आप हमको बिल्कुल नहीं डराए, बिल्कुल भी नहीं डरे हम। तैयार है ना तुम दोनों? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ लग तो रही हो, मगर एक कमी है। क्या? त्रिशा की साड़ी और गहने पहन लिए मगर उसका सिंदूर भी तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ। लो, लगाओ जल्दी। संतु जी हम लगा दें? कंट्रोल चीते कंट्रोल, शादी के लिए हाँ बोलिए लेकिन माइंड है, कभी भी चेंज हो सकता है। संतु जी ये लड़की भी बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, ये संतु जी है ना? हाँ ये क्या कर रही है? अरे नंदू के भूत को बुला रही है ऐसी। हाँ मगर मैडम सर ऐसे तैसे करके अगर सच में भूत आ गया तो वही तो हम करना चाहते हैं ना पुष्पा जी, भूत आएगा तभी तो हम उसे पकड़ेंगे ना। सर प्लान क्या है इनका? सर ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं दीवान जी क्या कर रहे हैं, झक्के लोग हैं सब। कुछ टाइम पे क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो पक्की है इस तरह से इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी नौटंकी से ना बच्चे एंटरटेन होते हैं, केस सॉल्व नहीं होते। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे ये तो अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है नहीं वहाँ। कौन है? नंदू दीदी के सामने खड़ा हुआ है, उसके हाथों में चाकू है, सहरा बांधा हुआ है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं, नहीं, नहीं कोई नहीं, 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 नहीं। देखिए ये सामने खड़ा है, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे नंदू का भूत है, भूत वो सबको नहीं दिखाई देता, मैं उसको बोतल में बंद कर दूंगा, वश कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगी मैं, और जान ही ले लूंगी तो तू रहेगा ही नहीं और झूठ भी नहीं बोलेगा, मार दूंगी मैं तुझे। संतु जी रामचीता चतुर्वेदी है, संतु जी क्या कर रही है आप?
किसने इसको पुलिस में भर्ती किया? ये तो चीता है आपके खाने का आदमी, आप लोग ने बेवकूफ बनाया मुझे। संतू जी दुख राम को छोड़िए हमारा गला। संतू छोड़ो छोड़ो संतू शर्मा छोड़िए। मार दूंगी तुझे। संतोष शर्मा क्या हो गया? पुष्पा जी संतोष क्या कर रही हो तुम? संतू जी सर संभालिए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मार दूंगी। संतू जी क्या कर रही हैं आप? संतू जी होश में आइए। संतू जी धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। पता नहीं पुष्पा जी मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मैं जो भी बोल रही थी वो मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इंसान ना भावनाओं में बह जाता है। हमको तो लगता है ना संतु, ये नंदू का भूत ही था जो तुमसे चिमट गया था। नहीं मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर दंतू का सूप हो सकता है तो नंदू का धूप क्यों नहीं हो सकता? क्या? नहीं मतलब नंदू का भूत क्यों नहीं हो सकता, वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं होता है मैडम, भूत होता है। हमारे गाँव पिपराज जिला आजमगढ़ में एक सरकटा भूत था, उसकी शरीर नहीं था, वो रात के अंधेरे में माचिस मांगता था बीड़ी जलाने के लिए। अरे पगला, अरे जब भूत का सर कटा हुआ है तो बीड़ी कैसे पिएगा? हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, कैसे पी? हाँ छोड़ो जाने दो, भूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। चुप रहो तुम दोनों। संतोष एक बात बताओ, जब तुम चीते पर हमला कर रही थी तब तुम जानती थी ना कि वो चीता ही है? पता था मुझे मैडम सर, मुझे पता था कि मैं उसका गला दबा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाई। हाँ बात तो है, मतलब निठल्ले के साथ तुम्हारी शादी हो गई होती तो ये गला दबाना लाजमी होता, लेकिन शादी नहीं हुई है उसके बावजूद गला दबाना, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा एक बात बताओ, तुम उससे बीच बीच में तुम उसे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तू मुझे धोखा देगा, वो क्या था? मैडम सर नहीं पता मुझे मैं वो क्यों कह रही थी, लेकिन हाँ मेरे अंदर वो डर है, मैंने बहुत किस्से सुने ऐसे चीटिंग वीटिंग के, तो वो इंटरनल फियर है जो उस वक्त बाहर आ गया। हे भगवान, कौन सा केस आ गया है थाने में, आज तक इतना उलझा हुआ केस कभी नहीं आया। मैडम सर आपने कुछ सोचा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ? अभी तक तो हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हर सवाल का जवाब तो होता ही है, मिलेगा कुछ ना कुछ, सोचते हैं। अब कौन सी नई प्लानिंग चल रही है मुझे जख्मी करने की? मिस्टर अमर, कल जो हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हमें इल्हाम नहीं था। क्या नहीं था? इल्हाम उर्दू है। पता है सर, मतलब पूछ रहे हैं। हम में से किसी को ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ तक संतोष को भी खुद नहीं पता था कि वो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ आप ही ने करवाया जानबूझकर, तो आप हम पर शक कर रहे हैं? नहीं, यकीन के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसी खुराफात तो आप ही की हो सकती है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस थाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज तो आपने सिर्फ मेरा हाथ कटवाया, कल को मेरी हड्डी पसली कुछ भी तोड़वा सकती हैं। सारी प्लानिंग समझ रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा क्या है जी? आप यही चाहती है ना कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहूँ और आप थाने में आने वाले हर केस को सॉल्व करती जाएं और लास्ट में इस थाने पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाएं? अरे इस आदमी के दिल में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसा आपको लगता है सीना जी, और सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। आप प्लीज सुबह सुबह ना हमसे बहस मत कीजिए, जाइए अपना काम करिए, कॉम्पिटिशन जीतना है ना आपको, जाइए। आप हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है, आप अपना काम कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाओ। बचाओ 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 बचाओ, चलो चलो चलो, बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। चलो जाओ, आओ मार डालेगा। त्रिशा त्रिशा रिलैक्स, आराम से आराम से, वो मुझे मार डालेगा, नंदू मुझे मार डालेगा। क्या हो गया अचानक? सुबह तक तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले नहाई वही तैयार हो गई, अब देखो फिर से ऐसा कुछ। कुछ सोचा है हमने, एक प्लान है हमारे दिमाग में, देखते हैं क्या होता है। हम अभी हैं।
चाय पी रहा है कि मुंह से सहनाई बजा रहा है। रख इधर, रख निकल इधर से, निकल। कैसा कैसा आदमी बुला लेते हो यार दुकान पर है? इतना तेज चिल्ला रहा है, चाय पी रहा है कि चिल्ला रहा है मुंह से। चीते सब कुछ मुझे देख के भाग रहा है तू। सुबह थाने में भी नहीं आया, अवॉइड कर रहा है। हाँ एक सेकंड, हकला क्यों रहा है? चीते पागल हो गया क्या? जरा तो नहीं लगी। बैठ। I'm sorry. मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया चीते। I'm sorry. Please माफ कर दे। ठीक है। छी। स्माइल करके बोल। अच्छे से। बोल। ठीक है। कर दिए माफ। कर दिया। चल। कहाँ लेके? बाप रे संतु जी, आपको किसी बढ़िया पंडित या ओझा से दिखवाना पड़ेगा। अब चल। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैडम सर ने थाने में बुलाया है पता करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और करिश्मा मैडम को भी भेजा गया। कहाँ भेजी है? अब वो मैडम सर ही बताएंगी। चल संतु जी, संतु जी चल। हमने भी त्रिशा की साड़ी पहनी है, उसका मेकअप लगाया है, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक सब कुछ तो यूज कर रहे हैं, फिर भी अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा, तो फिर त्रिशा को क्या हो जाता है? संतोष को क्या हुआ था? ये सब हो क्या रहा है? मे आई कम इन? आइए। अरे मैंने तो पहचाना नहीं आपको, एकदम अलग लग रही हैं। नहीं मतलब कभी साड़ी में देखा नहीं ना आपको ऐसे। तो क्या काम है? नहीं आप जिस स्टाइल से नीचे बोलकर आई थी कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, तो मुझे लगा कि बहुत ही रॉकेट आइडिया होगा आपके पास, पर यहाँ तो फैशन की तैयारी चल रही है। हमारी जासूसी करने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? आप प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे अपना प्लान तो बता दीजिए, कुछ तो बताइए, क्या प्लानिंग चल रही थी आपके दिमाग में? ओके लेट मी गेस, आप ये सब कुछ पहनकर ये ऑब्जर्व कर रही थी कि अचानक इन सब से संतोष शर्मा को क्या हो गया, अचानक इतनी वायलेंट कैसे हो गई वो, राइट? अच्छा अच्छी प्लानिंग है, बट कंस्ट्रक्शन में ना थोड़ी सी कमी रह गई। क्या? ये सिंदूर? त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने? अरे मेरे ख्याल से ना तैयारी हो तो पूरी हो, ये लीजिए लगा लीजिए। अरे नहीं हमने कहा ना कोई लगा लीजिए, कुछ अरे मना किया ना आपको। क्या कर रही हैं सीना जी, पागल वागल हो गई हैं क्या आप? अरे हम पागल हो गए, आप पागल हो गए, आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हैं, अभी लग जाता हमें सिंदूर तो। नहीं वन सेकेंड, शादीशुदा मैं? तो शादीशुदा नहीं है तो क्या 8 साल का बच्चा आप मेले से जीत कर आए थे क्या कंपटीशन में? देखिए हमने ना बहुत तरीके के अजीब अजीब इंसान देखे, लेकिन सच बता रहे आपके जितना बेशरम इंसान हमने आज तक नहीं देखा। आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं यहां से, बात ही नहीं करनी हमें आपसे। दीदी बिग बॉस आप कब आई? मैं कब आई ये छोड़, पर तू कब आगे निकलेगा इन औरतों से ये तो बोल। मतलब हद ही हो गई, सारी जिंदगी ऐसे औरतों से जलील ही होता रहेगा। घर पर तू हमेशा हमसे हारता था और यहाँ पर इन औरतों से हार रहा है। एक्चुअली ना तू लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। आप सही कह रही हैं दीदी, मैं हमेशा से औरतों से हारता ही आया हूँ, अभी भी हारूंगा, ये थाना भी हार जाऊंगा, आई एम अ लूजर। अरे अमर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए ना प्लीज। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। मैडम सर आपका वो केमिस्ट्री टीचर से बात हुआ था, उन्होंने कोई केमिकल का नाम बताया था ना, वो हम भूल रहे हैं, जिसकी खुशबू को सूंघने से वो दिमाग पे एकदम प्रभावित करता है और उसके प्रभाव से जो है वो मति भ्रम हो जाता है इंसान का। हेलुसिनेशंस? जी 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 वही हेलुसिनेशन। त्रिशा का सिंदूर नहीं लगाया आपने, ये लीजिए लगा लीजिए। अरे नहीं हमने कहा ना कोई जरूरत, लगा लीजिए कुछ। अरे मना किया ना आपको।
ये है वो करामाती सिंदूर, यही है उस मिस्ट्री का सबसे बड़ा सोल्यूशन। अब हम बताएंगे कि इसका करामात क्या है। इस सिंदूर में एक खास तरीके का केमिकल मिला हुआ है। जब भी कोई इंसान इस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएगा, उस केमिकल से निकलने वाली जो खुशबू है वो उस इंसान के ब्रेन में जाके अफेक्ट करेगी। इस तरीके से वो अपना कमाल दिखाएगी कि वो इंसान भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क भूलने लगेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर उसके अंतर मन में जो भी उसके पुराने डर हैं, जो भी खौफनाक बातें हैं, किस्से हैं, वो उस पर हावी होने लगते हैं, उसे सब कुछ वो याद आने लगता है और वो सब उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। और यही हुआ त्रिशा के साथ। त्रिशा जो है सुबह सज धज के तैयार होके माथे पर ये सिंदूर लगाकर घर से निकलती है। रास्ते में ये सिंदूर अपना असर दिखाना शुरू करता है। नतीजा त्रिशा को दिखाई देने लगता है नंदू। नंदू जिसके हाथ में चाकू है वो उसके पीछे भाग रहा है और उसे मारना चाहता है और इस बार मार ही डालेगा। और ये डर, ये भ्रम और ये हेलुसिनेशन त्रिशा का कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। हर बार घर, मार्केट, हर जगह उसके साथ यही होता आ रहा है और यही हुआ आज सुबह भी। अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने भी ये ही सिंदूर लगाया था इसीलिए इस केमिकल का असर मुझ पर भी हुआ। मेरे भी सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था और मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ये सिंदूर की वजह से। बिल्कुल, ये इस सिंदूर में मिले हुए केमिकल का कमाल था। मतलब मैम मुझे कुछ नहीं हुआ है? मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है। हा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम पूरी तरीके से निर्दोष हो। मैं ठीक हूँ। It's okay. तो फिर ये सब क्यों? नहीं मतलब जाहिर है जिसने भी त्रिशा के सिंदूर में ये केमिकल मिलाया वो उसे पागल साबित करना चाहता था, मगर कौन हो सकता है? हमारी नजर में सारे जुर्म सिर्फ तीन ही वजह से होते हैं, गुस्सा, लालच और जलन। और अफसोस की बात ये है कि ये तीनों ही बातें हमारे किसी अपने से जुड़ी होती हैं। कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये किसी फैमिली मेंबर का काम है? हो सकता है मैडम सर, हमको तो त्रिशा जी आपका जो मर्द है ना उन पर बहुत ज्यादा शक है। देखिएगा इस सारे सब कारनामे के पीछे ना वही है। नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। पति, सास, ननंद, जेठ कोई भी हो सकता है, किसके मन में कब क्या चल रहा है किसे पता। पुष्पा जी काम कीजिए, सबको बुलाइए, हम पता लगाते हैं। कैसे? एक प्लान है हमारे दिमाग में। एक्सक्यूज मी सर, आपने हमें यहाँ बुलाया? जी, हमने आपको यहाँ बुलाया। मैडम क्या हम जान सकते हैं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बिल्कुल, दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को अब घर ले जा सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। नंदू नाम का भूत अब इन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि नंदू से फिर नहीं दिखेगा? हम पर भरोसा रखिए, वैसा कुछ नहीं होगा। अगड़ बम बम, अगड़ बम बम, अगड़ बम बम बम, बम लगा के भूत को उड़ा दूं। आई एम बाबा बाबा रेड शीप। मैंने नंदू के भूत को इस बोतल में कैद कर लिया है। सर ये क्या पैतरे चल रहे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? दीवान, जिन औरतों को आज तक देवता नहीं समझ पाया, आप मुझ जैसे नादान बालक से क्या पूछ रहे हैं? मैडम अगर ये सच बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मगर हम कैसे मान लें कि नंदू का भूत वाकई में इस बोतल में बंद है? मतलब तब तक हमें तसल्ली कैसे हो सकती है? संदेह, बाबा बाबा रेड शिप के टैलेंट पे संदेह। नंदू का भूत आ चुका है। अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी कीजिए बाबा, भूत को पकड़िए वरना किसी के अंदर घुस जाएगा। भूत दिखा। नंदू, सत्ता नंदू, पुष्पा जी क्या कर रही है? इस औरत में, इस लड़की में घुस गया है। अरे कुछ कीजिए ना बाबा। मेरे पास भस्म है। हाँ हाँ। बहुत ही शक्तिशाली भस्म है, बहुत वर्षों की तपस्या से यह भस्म सिद्ध किया है। इस भस्म में गुलाल पानी मिलाने से सब कुछ, भूत का साया हट जाएगा। पानी लाओ। गुलाल लाओ, गुलाल लाओ, गुलाल लाओ। गुलाल खत्म हो गया, गुलाल नहीं है। ये चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। सर क्या छछुंदर जैसा प्लान है, देखना पक्का फ्लॉप होगा।
देखे ना कितनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं लोग, दो मिनट में पकड़े जाएंगे। नहीं दीवान जी, प्लान तो ब्रिलियंट है बट होगा फ्लॉप भी। वो कैसे? बस बस देखते जाइए आप, देखिए भस्म सिंदूर तैयार हो गया। पुष्पा जी को लगा दिव्य भस्म। ये दिव्य भस्म सिंदूर देखो, अभी सिद्ध भस्म सिंदूर का कमाल। क्या हुआ? क्या हुआ था अभी हमें? पुष्पा जी ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, ये चीज है, इसी ने ना वो सिंदूर में केमिकल मिला हुआ है इसलिए ना बोल रहा है। बाबा बाबा रेड शिप का इंसान, क्यों 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 नहीं लगाएंगे? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपने नोटिस नहीं किया मैडम, ये नंदू का भूत सिर्फ फीमेल बॉडी पे अटैक करता है। हाँ। और अनजाने में ही सही, नंदू का दिल भी एक औरत ने ही तोड़ा था जो कि मेरी धर्म पत्नी निशान है। इसलिए नंदू की दुश्मनी किससे है? स्त्री प्रजाति से है। हम मर्दों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लॉजिक तो है, सिंदूर तो मैंने भी लगाया, मुझे क्या हुआ, मैं भी तो एकदम ठीक हूं ना। देखा देखा देखा, ये इन्होंने साबित कर दिया है अभी कि नंदू का भूत जो है औरत और मर्द के बीच में फर्क करता ही नहीं है। इसलिए जब तक ये टीका सबके माथे पर नहीं लगेगा, नंदू का भूत किसी में भी घुस सकता है। ये लगाइए लगाइए सिंदूर लगाओ। सिंदूर से मुझे एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है सिंदूर से। देखो मेरी तबीयत खराब होने लग गई। अच्छा, सिंदूर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या इस बात से कि आप बहुत अच्छे से जानती हैं इस सिंदूर में क्या मिला हुआ है? क्या बकवास कर रही है आप? देखिए क्या है ना, आप चाहें तो अभी खुद का, हमारा, हम सब का वक्त बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे और पक्के सबूत हैं। इसलिए अब सच बोलना शुरू करें तो अच्छा होगा। ठीक है, हम ही शुरुआत करते हैं। सच्चाई ये है कि इस सिंदूर में मिला हुआ है एक खास तरीके का केमिकल। आपका मतलब है कि उस केमिकल से आदमी ऐसी चीजें हेलुसिनेट करने लगता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है? जी। नंदू जो दिख रहा था वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा काम किया है आपकी भाभी जी ने। क्या किया ये हम जानते हैं, क्यों किया अगर आप बता दे तो मेहरबानी होगी। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई थी भाभी? आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए था कि मैंने आपकी फैमिली के बिजनेस को डूबने से बचाया, उसे आगे बढ़ाया। सारी दिक्कत यही तो थी कि तेरे हाथ में बिजनेस और पैसों का कंट्रोल दे दिया गया, जिसका फायदा सिर्फ तुझे और तेरे पति को होता। औरतों का काम घर के मर्दों की सेवा करना है, ना कि उनके ऊपर हुकुम चलाना मालकिन बनकर। क्या बात, किससे क्या कहे, किस किस से लड़े और कब तक लड़े इस घटिया सोच से, जहां आप जैसी औरतें ही इस दकियानूसी मानसिकता को जकड़ कर बैठी हैं। ये जो बात है ना कि औरतों की खुद की कोई पहचान नहीं होती, वो तो बस मर्द की परछाई बनकर रहती हैं, उन्हें तो बस किचन में चूल्हा जलाना चाहिए, ये बेड़ियां इतनी ज्यादा पुरानी और जंग लगी हो चुकी हैं कि इन्हें टूटना ही होगा। लेकिन हम या दुनिया की कोई भी औरत कितना भी लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप जैसी औरतें इस घटिया सोच को पकड़ कर बैठी हैं। कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप मैडम? अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलकर देखिए, वक्त बदल चुका है।
आज के टाइम में औरतें घर के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही, हर काम में उनका साथ दे रही। आप जानती हैं दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से 2 औरतें हैं, वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होंगी। जब वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाकर उस मुकाम तक पहुंच सकती हैं, तो घर की औरतें घर का बिजनेस क्यों नहीं चला सकती? आपके देवर ने तो घर का बिजनेस डुबा ही दिया था, उसे किसने संभाला? आपकी बहू ने। उड़ने के लिए उसे पंख दिया, अरे आप लोगों को बैंकरप्ट होने से बचाया है उसने, फिर भी उसकी काबिलियत का थोड़ा भी मोल नहीं है आपकी नजरों में? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत है? ये तो बहुत ही गलत है ना मैडम। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे बेटा। मिस्टर भरत, आप अपनी बीवी से जलिए मत। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस पार्टनर भी मिला है जिस पर आप उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि खुद पर। Yes, you are absolutely right, sir. त्रिशा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिशा, come in the family now. मैडम, आपने हमारे परिवार को फिर से एक बार एक कर दिया, उसके लिए ये तो बनता है। थैंक यू। चले, चलो। ये कहाँ जा रही है? अरे बेहतरीन, बहुत अच्छे पुष्पा जी। अरे ये क्या हुआ? टेक्निकली ये केस हमने सॉल्व किया है तो स्कोर हमारा बढ़ना चाहिए। और नहीं तो क्या? अरे अगर हमने पुजा सोनी की एक्टिंग नहीं करी होती ना तो आपकी प्लानिंग की वही बैंड बच जाती है हसीना मलिक। आप ये केस सॉल्व कर पाई हैं क्योंकि हमने आपकी हेल्प करी है। सुनिए, बस एंड में थोड़ा सा नाटक करने से ना पूरा केस आपने सॉल्व नहीं किया है, मेन काम हमने किया है। सिंदूर के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था। सिर्फ पता चला था, उसे लगाने का आइडिया किसने दिया था आपको? मैं। अरे ये तो सरासर धांधली है। ये हक की बात है? कोई हक की बात नहीं है। अब आपको लग रहा है डर, अब आपको सच में हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं कि ये थाना आपके हाथ से चला जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए आप ये ना सारी ओछी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, आपको ये हेलुसिनेशन हम सच करके बताएंगे, और वो भी किसी केमिकल मिले हुए सिंदूर के बगैर। अभी एक काम करते हैं। दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप देख नहीं सकता। गलती आपकी नहीं मैडम, सब किस्मत का खेल है। लेकिन ये अच्छा है कि आप देख सकती हैं। वो तो आपने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना मेरी आंखों की ज्योति तो पहले ही गई हुई है, आज शायद जीवन ज्योति भी बुझ जाती। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती है देखा है, कभी कहती है नहीं देखा है। अच्छा आइए, आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात है, आप आइए हमारे साथ, आइए आइए इस तरफ आइए। चलिए आइए, ये लेफ्ट में, इधर इधर आइए संभाल के। Thank you.
बस बस मैडम, मेरा मेरा घर आ गया। संभल के। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में बसा हुआ है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए। सर, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाना क्यों नहीं चाहते, कारण तो बताइए। दीवान जी, नहीं जाना तो नहीं जाना, हर बात का कारण थोड़ी ना होता है। मन नाम की भी कोई चीज होती है ना। नहीं है मन हमारा, नहीं जाना हमें, बात खत्म। सर, बंटी बाबा चाहते हैं कि मैं आपको कहूं, आपको कन्विंस करूं कि आप वहां पर जाइए, तो सर आपको जाना तो पड़ेगा। और ये भूलिएगा मत कि यहां पर मैं आपका जूनियर हूं, पर ट्रेनिंग पर। हाँ, गुरु रहे हैं हमारे, आपके अंडर हमने ट्रेनिंग ली है। दीवान जी, कितनी बार ब्लैकमेल करेंगे एक ही पॉइंट से आप। अरे सर, आप समझ नहीं रहे हैं, कब तक खाना पकाते पकाते आप खुद को पकाते रहेंगे? सर, जितना टाइम आप बर्तन धोने में लगाते हैं ना, अगर उतना ही टाइम आप मुजरिमों के पीछे लगे ना सर, तो हम कितने केसेस सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए ना सर, अगर कोई घर पर होती जो सारा काम काज देख लेती, तो आप कितने अच्छे से ड्यूटी निभा सकते हैं सर, सोचिए। अरे दीवान जी, बजट नहीं है, हफ्ते में चार दिन तो ये बैंगन बना रहा हूँ मैं, तो ये हाउसमेड कहाँ से अफोर्ड करूंगा मैं? मैं आपको पेड सैलरी वाली मेड लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सोचिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लाने के लिए कह रहा हूँ। बस आपको एक बार 150 रुपए का सिंदूर का खर्चा करना है। नहीं, आप खुद तो औरतों के खिलाफ है और हमें धकेल रहे हैं शादी के गड्ढे में। अरे दीवान जी, समझते नहीं है। पापा, मैंने सुना आजकल आपका बजट बहुत टाइट है, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बेटा। वो सब ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल की ट्रिप की फीस भर देना। ये क्या, आज भी बैंगन की सब्जी? अरे बेटा, बैंगन हेल्दी होता है, खाओ इसे, आ जाओ। खा लूंगा, लेकिन दो कंडीशन पे। कौन सी कंडीशंस? पहली कि मैं स्कूल ट्रिप के लिए कोई बजट का बहाना नहीं चलेगा, और दूसरी आज शाम को आज मेरी स्कूल टीचर अवनी मैम के साथ डेट पे जा रहे हैं, अगर नहीं गए तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, तो प्लीज जाइएगा। अब तो जाना ही पड़ेगा सर, एक मिनट, ये पहन कर जाइएगा सर। देखिए, वैसे तो आप हीरो लगते हैं, ये पहनने के बाद आप सुपर हीरो लगेंगे, जाके बस तोड़ दीजिएगा, मेरा मतलब है छा जाइएगा सर। तोड़ दीजिएगा, छा जाइएगा, आप से बाहर निपटता हूं मैं। सोर्सेस से पता चला है कि वो नंबर वन स्मगलर ब्लैक कलर के जैकेट में आने वाला है, चौकन्ना रहिए। जी। गिरे ना तो छितरा देंगे यहीं की यहीं। गिरे ना तो छितरा देंगे यहीं की यहीं। आप सुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है, इस ड्रेस कोड में आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? इट्स ओके, समझ गया। देखिए, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और मुझे तो खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। लगे रहिए, गुड जॉब। हम यहाँ मिशन पर हैं सर, बहुत बड़े तस्कर को पकड़ने आए हैं, उसकी घात लगानी है, इसलिए हमने ये रूप धारण कर लिया है। आपका कैसे आना हुआ लेकिन यहाँ पे? क्यों भाई, मतलब मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है सर, आपका कोई पर्सनल लाइफ है,
तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। बस ऐसे मन किया कि बाहर जाके कुछ अच्छा खा लिया जाए तो आगे। हाँ यहाँ यहाँ का खाना बहुत अच्छा है सर। तो अच्छा खाना सर्व करेंगी ना हमें? प्लीज हैव अ सीट सर। थैंक यू। हाय थाने में तो सुपर कॉप बनते हैं और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब मजा चखाते हैं इन्हें।